हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। बड़े तो गाइस आज की इस वीडियो में जैसा आप देख पा रहे हैं आपके सामने गाइस ये रखा है मटका। और गाइस ये मटका किसके काम में आता है, यानी गाइस ये मटका पानी को ठंडा करने काम आता है गर्मियों के सीजन में, जो कि दोस्तों गर्मी आ चुकी है तो गाइस मटके की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन गाइस आज की इस वीडियो में हम मटके में पानी ठंडा नहीं करेंगे बल्कि गाइस पानी गर्म करेंगे। कैसे गाइस, कभी गैस आपने किया है? वैसे तो गैस मटके में पानी गर्म हो जाता है लेकिन हम दूसरी तरीके से करने जा रहे हैं। हम गैस करने जा रहे हैं मटके में पानी चूल्हे पर रखकर। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। कभी गैस आपने किया है? नहीं। कभी गैस गांव वगैरह में अगर आपने किया हो तो नीचे कमेंट बताना। वैसे गैस पानी को स्टील के बर्तन या फिर किसी और बर्तन में गर्म करते हैं लेकिन गैस आज हम मट्टी के बर्तन में मटके में पानी गर्म करने जा रहे हैं। देखते हैं गैस इस मटके में पानी गर्म हो पाता है कि नहीं हो पाता है, क्या दोस्तों मटका पूरा टूट जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन गाइस आज की इस वीडियो में हम इस मटके के अंदर पानी गर्म करने जा रहे हैं तो गाइस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है। तो गाइस इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखें, दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें जिससे इसी प्रकार की एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। गाइस मटके में पानी गर्म करने के लिए सबसे पहले गाइस इस मटके को भरना पड़ेगा। अभी गाइस ये मटका बिल्कुल खाली है, ठीक है। तो गाइस देखो आपके सामने गाइस ये टोटी लगी हुई है टंकी में, ठीक है। तो चलिए गाइस पहले इस मटके को भरते हैं इस टोटी से, ठीक है। वैसे गाइस आपको क्या लगता है, इस मटके में पानी गर्म हो जाएगा? यानी गाइस कभी आपने ट्राई करके देखा है कभी गाँव वगैरह में? चलिए गाइस आज ट्राई करके देख ही लेते हैं, ठीक है। तो फाइनली गाइस हमने मटका भर लिया है, देखिए गाइस इतना भर लिया है, ठीक है। यानी गैस पूरा नहीं भरा है, पहली बार चेक कर रहे हैं तो गैस कम से कम आधे से थोड़ा कम है, ठीक है। तो चलिए गैस देखते हैं इतना पानी गर्म होता है कि नहीं होता है। देखिए गैस हमारा चूल्हा बिल्कुल अच्छी तरीके से जल चुका है और गैस ये वो चूल्हा है जो हमने बनाया था मटके का चूल्हा। गैस देखो कितनी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। चलिए गैस अब इस मटके को रखते हैं इस मटके वाले चूल्हे के ऊपर, ठीक है। फिर गैस देखते हैं इसमें पानी गर्म हो पाता है कि नहीं हो पाता है, ठीक है। तो गाइस देखो बिल्कुल अच्छी तरीके से मटका बन चुका है मटके वाले चूल्हे के ऊपर, ठीक है। अब देखते हैं गाइस इस मटके के अंदर कितनी देर में पानी गर्म हो पाता है, ठीक है। A few moments later. चलिए गाइस इस मटके को उतारते हैं, ठीक है। वो गाइस काफी मटका भी गर्म है, यानी गाइस हम हाथ से नहीं पकड़ सकते, इसको पकड़ने के लिए एक कपड़े की जरूरत पड़ेगी तभी गाइस इस मटके को हम उठा सकते हैं क्योंकि दोस्तों काफी ज्यादा गर्म हो चुका है, ठीक है। चलिए गाइस कपड़ा मैंने ले लिया, ठीक है। चलिए गाइस अब इसको उठाकर देखते हैं मटके को। वाओ देखिए गाइस, देखो गाइस थोड़ा सा ही मैंने इस मटके को कपड़े से पकड़ा है और गाइस कपड़ा भी काफी गर्म हो चुका है, ठीक है। तो चलिए गाइस इसको खोलते हैं। गाइस काफी गर्म है। तो चलिए गाइस अब इस लोटे से निकालते हैं इस मटके में से पानी, ठीक है। फिर गाइस आपको दिखाते हैं कितना हुआ है गर्म पानी। देखिए गाइस ये है इस मटके का पानी जो कि हमने गर्म किया है चूल्हे पर। देखिए गाइस कितनी तेज भाप निकल रहा है, यानी गाइस बिल्कुल अच्छी तरीके से आप मटके के अंदर पानी गर्म कर सकते हो जैसा गाइस मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से करके दिखा दिया, ठीक है। और गाइस काफी गर्म हो जाता है जो आप स्टील के बर्तन में गर्म करते हैं चूल्हे पर, बिल्कुल गाइस मटके के अंदर उसी तरीके से पानी गर्म होता है। गाइस मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मटके में पानी गर्म हो जाएगा, यानी गाइस मुझे ऐसा लगा था कि मटका टूट जाएगा जैसे हम चूल्हे के ऊपर रखेंगे। गाइस मटके में पानी गर्म नहीं हुआ बल्कि गाइस खोलने लगा, जैसे कि दोस्तों स्टील के बर्तन में आप पानी गर्म करते हैं उसी प्रकार से गाइस मिट्टी के बर्तन यानी गाइस मटके के अंदर ही पानी गर्म होने लगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो में कुछ नया देखने को मिला होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग मजेदार एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो आगे और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।